हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 6। आई वांट समथिंग इन अ केज, और चैप्टर है हमारा ये इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास 7 का। तो स्टार्टिंग में है हमारे ट्रू फॉल्स। मिस्टर ब्रुसेल्स सोल्ड बर्ड्स कैट्स डॉग्स एंड मंकीज। तो मिस्टर ब्रुसेल जो थे, जो शॉप के ओनर थे, वो बेचते थे बर्ड्स को, कैट्स को, डॉग्स को और मंकीज को। तो ये ट्रू है, वो ये सब बेचते थे। फिर सेकंड है, ही वॉज़ वेरी कंसर्न अबाउट द वेलबींग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन हिज शॉप। तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि उनके जो शॉप में बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो ठीक रहें। तो ऐसा तो नहीं था, वो इतना ध्यान नहीं रखते थे। तो ये है फॉल्स हमारा, गलत है ये। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बॉट द टू डोव्स। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, खुश हो गए थे उस कस्टमर से जिन्होंने खरीदी थी दो डोव्स, तो छोटी छोटी सी बर्ड्स। तो ये भी फॉल्स है, उनको तो बहुत ही अजीब सा लग रहा था ना वो। तो नेक्स्ट है, ही वॉज अ सक्सेसफुल शॉप ओनर दो इनसेंसिटिव एंड कोल्ड एज अ पर्सन। तो वो जो मिस्टर प्रसल थे, वो सक्सेसफुल शॉप ओनर थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा कामयाब शॉप ओनर थे, काफ़ी अच्छी चलती थी उनकी शॉप, मगर वो इनसेंसिटिव थे, मतलब उनको किसी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, कोल्ड थे, अजीब से थे, किसी से ज़्यादा बात बात करना पसंद नहीं करते थे, इस टाइप के वो पर्सन थे। तो हाँ, इसी टाइप के वो पर्सन थे, सॉरी सॉरी, इस टाइप के वो पर्सन नहीं थे। उनको तो बहुत अच्छा लगता था जैसे कि कोई मतलब शॉपकीपर आए, शॉपकीपर कह रही हूँ मैं, कोई कस्टमर आए और उनसे मतलब बात बात करना उनको पसंद था, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, व्हाई इज़ मिस्टर प्रिसल कंपेयर टू एन ऑल। तो मिस्टर प्रिसल को एक आउल से, एक उल्लू से क्यों कंपेयर किया गया है? तो इसका आंसर है, मिस्टर प्रिसल कंपेयर टू एन आउल बिकॉज लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज विच गिव्स हिम एन अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड अ जेनियल आउल। तो मिस्टर प्रिसल जो थे, उनको एक आउल से कंपेयर किया गया है, एक उल्लू से कंपेयर किया गया है, क्योंकि उनके वो एक बड़े बड़े ग्लासेस, मतलब बड़े बड़ा चश्मा लगाते थे, और वो जो बड़ा सा चश्मा था वो उनकी आई को मैग्नीफाई करता था। मैग्नीफाई करने का मतलब होता है बड़ा कर देना, और उनको ऐसा अपियरेंस देता था, मतलब वो ऐसे दिखाई देते थे जैसे कि वो बहुत ही वाइज, समझदार, जेनियल, बहुत ही समझदार और एक ही सुलझे हुए अच्छे इंसान हो, इस टाइप का उनको लुक देता था उनका ग्लासेस, इसलिए उनको आउल से कंपेयर किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट। अच्छा, पिक आउट करने हमें कुछ क्वेश्चंस। तो ए है, वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्राइज ऑफ बर्ड्स। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो बर्ड की क्राइज से, मतलब बर्ड के चिल्लाने से एसोसिएटेड है? तो विस्पर्ड, ट्विटर्स, चीप्स एंड स्क्वीक्स। विस्पर मतलब फुसफुसाहट, ट्विटर्स मतलब थोड़ी थोड़ी ट्वीट 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 करना होता है ना, वो ट्विटर्स होते हैं। चीप का मतलब जैसे कि चीप 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 चीप, इस टाइप की आवाज़ आती है ना जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो। और स्क्वीक्स की मतलब ये सारी की सारी बर्ड्स की वॉइस होती है, जब आप कभी सुबह जल्दी उठ के देखिएगा, बड़ी प्यारी सी आवाज़ आती है बाहर घूमिएगा तो। नेक्स्ट है, वर्ड्स एसोसिएटेड विद नॉइज़। कौन सी नॉइज़ से, मतलब शोर से एसोसिएटेड वर्ड्स? रस्टलिंग, स्क्वील्स और स्क्वीक्स। तो रस्टलिंग जैसे कि हवा अजीब सी बहती है, और चिरचिर करना सारे के सारे एनिमल्स का, तो अजीब अजीब सी आवाज़ें होती है ना ऐसे जहाँ पे एनिमल शॉप्स में, तो उसी टाइप की आवाज़ों को नॉइज़ कहा गया है। फिर नेक्स्ट है, वर्ड्स एसोसिएटेड ऑफ कन्फ्यूजन एंड फियर। कन्फ्यूजन मतलब अजीब सा, मतलब जैसे कि होता है कन्फ्यूज़ हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फियर का मतलब होता है डर। तो फ्रेंटिक, फ्राइटेंड, बिवाइल्डर्ड, ब्लाइंडली स्नीकिंग, ये सारे के सारे कन्फ्यूजन। फ्रेंटिक मतलब इसको कुछ समझ ना आ रहा हो, पागल टाइप का। फ्राइटेंड मतलब डर हो गया। बिवाइल्डर्ड मतलब एकदम से एक्साइटेड हो जाना या फिर डर जाना, इस टाइप के लिए होता है बिवाइल्डर्ड। ब्लाइंडली स्नीकिंग मतलब ब्लाइंडली मतलब अंधों की तरह, स्नीकिंग मतलब झांकना, ये सारे के सारे कन्फ्यूजन और फियर के साइंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर प्रुसल हैड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकलिंग ऑफ फेमिलियर क्लॉक। रीड पैरा बिगनिंग विद, इट वॉज रफ डे। तो वॉट डज इज रेफर टू? तो मिस्टर प्रुसल के बारे में बताया गया है कि मतलब उनके पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं था कि उनको सुनना पड़ता था मोनोटोनस, मतलब बहुत ही बोर कर देने वाली, बहुत ही परेश मतलब बोर टाइप, हाँ बोर ही कर देने वाली जो टिकलिंग थी फैमिलियर क्लॉक की, टिक टिक जो करती रहती थी उनकी क्लॉक, उसको ही सुनना पड़ता था उनके पास, मतलब और कुछ ज़्यादा नहीं था। तो ये इस टाइप से बताया गया है, इसका क्या रेफर करता है ये वाला जो सेंटेंस है? इट रेफर्स टू द चिपरिंग, स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द शॉप ऑफ मिस्टर प्रिसल्स। तो हमें एग्जाम्पल तो क्लॉक का दिया है, मगर एक्चुअल में वो क्लॉक नहीं, वो बर्ड्स की आवाज़, बाकी सारे जानवरों की आवाज़ है, जैसे कि चिपिंग, स्क्वीजिंग, म्यूइंग ऑफ बर्ड्स और बाकी सारे दूसरे एनिमल्स जो थे मिस्टर प्रिसल की शॉप में, इसके लिए बोला गया है। वाई डज मिस्टर प्रिसल नॉट हियर इट क्लियरली? और मिस्टर प्रिसल इस चीज़ को क्लियरली क्यों नहीं सुन पाते थे? मिस्टर प्रिसल डज नॉट हियर इट क्लियरली बिकॉज इट वॉज नॉट अनयूजुअल साउंड फॉर हिम। मिस्टर प्रिसल को ऐसा होता है ना जैसे कि हम लोग कहीं पर बैठे हुए हैं
और वो आवाज़ें ऑलरेडी हो ही रही हैं, बहुत पहले से हो रही हैं और रोज़ रोज़ हो रही हैं, तो हमें हमारा ध्यान उन आवाज़ों की तरफ नहीं जाएगा। जैसे कि कोई स्मेल हो या खुशबू हो, आप बहुत लंबे टाइम तक उसको सूंघते रहेंगे या फिर आपके एनवायरनमेंट में रहेंगे, जो आपको समझ नहीं आएगा कि वो है, वो आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से मिस्टर प्रसिद्ध के लिए नॉर्मल हो गया था वो जो आवाज़ें वहाँ पर हुआ करती थी, इसलिए उनका ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द एटमोसफेयर ऑफ मिस्टर प्रसिद्ध शॉप वॉज चेयरफुल और डिप्रेसिंग? गिव आंसर फॉर योर सॉरी गिव आंसर फॉर गिव आंसर फॉर योर क्वेश्चन। तो इसमें आंसर ही लिखा हुआ है, थोड़ी सी मिस्टेक है। तो मिस्टर जो प्रिसल थे, उनकी शॉप का एनवायरनमेंट जो था, एटमॉस्फेयर था, वो खुश कर देने वाला था, चीयरफुल था, या फिर डिप्रेसिंग था, या फिर परेशान कर देने वाला था? तो इसका आंसर देखते हैं। एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्टर प्रिसल शॉप्स वॉज डिप्रेसिंग वॉज बिकॉज ऑफ अ कॉन्स्टेंट स्टिर ऑफ मूवमेंट दैट परवेडेड हिज शॉप एंड द एनिमल्स एंड द बर्ड्स वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़। तो वो डिप्रेसिंग था उनकी शॉप का एटमोसफेयर, क्योंकि कॉन्स्टेंट स्टिर ऑफ मूवमेंट मतलब आवाज़ें आती रहती थी उनकी शॉप में, और एनिमल्स और बर्ड्स हमेशा बोला करते थे, तो अजीब सी नॉइज़, बहुत ही अजीब सी आवाज़ें हमेशा उनकी शॉप में बनी रहती थी, तो इसलिए डिप्रेसिंग सा माहौल था। और सब कुछ रेस्टलेस सा था, मतलब कुछ भी आराम से नहीं था, चीची चू चू होती रहती थी बहुत ही ज़्यादा। इट सीम्ड एज दो दे वर नॉट हैप्पी इन देयर केज, और ऐसा लगता था वो बर्ड्स और जो एनिमल्स हैं वो खुश नहीं हो अपने पिंजड़ों में। केज का मतलब होता है पिंजड़ा। फिर नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप, व्हाट डिड ही वॉन्ट? तो हमें उस स्ट्रेंजर को, उस अजनबी को डिस्क्राइब करना है जो पेट की शॉप में आया था, और वो क्या चाहता था। द स्ट्रेंजर वॉज पिक्यूलियर मैन हु वॉज वियरिंग शिवी शूज एंड चीप इल फिटेड बट अ न्यू सूट। तो पिक्यूलियर का मतलब होता है अजीब, वो इंसान स्ट्रेंजर था, वो स्ट्रेंजर जो था अजनबी, बहुत ही अजीब सा था, उसने अजीब से शूज़ पहने रखे थे, चीप का मतलब होता है सस्ता, और इल फिटेड थे और फिट नहीं हो रहे थे, नया सूट था मगर उसके हाथ में, और ही हैज़ अ सॉरी शटलिंग ग्लांस एंड क्लोज चॉप्ड हेयर, ही वॉज समथिंग स्मॉल इन अ के ही वॉन्टेड समथिंग स्मॉल इन अ केज विद विंग्स। तो वो बहुत ही अजीब सा था, मतलब उसकी ग्लांस जो थी, उसका देखने का तरीका भी बहुत ही अजीब सा था, इधर उधर ऐसे देख रहा था परेशान सा होके, और उसके जो छोटे छोटे से कटे हुए बाल थे, और उसको कुछ चाहिए था छोटा सा जो उड़ सके, किसमें, पिंजड़े में, जिसके विंग्स हों, जिसके पंख हों, तो इसलिए वो बहुत ही अजीब सा था, हमने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है इसमें। अब नेक्स्ट है, द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द डोव्स बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, डू यू अग्री? तो मैन जो है वो इंसिस्ट करता है, मतलब कहता है कि नहीं मुझे तो डोव्स चाहिए, छोटी छोटी बर्ड्स चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि वो फॉन्ड था बर्ड्स का? फॉन्ड का मतलब होता है दीवाना होना, तो वो क्या बर्ड्स का दीवाना था, क्या आपको ऐसा लगता है? डू यू अग्री? तो इसका आंसर देखते हैं, नो द मैन डिड नॉट इंसिस्ट ऑन बाइंग द डॉव्स बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स। तो मैन ने इसलिए इंसिस्ट नहीं किया था कि उसको बर्ड ही खरीदनी है, क्योंकि वो बर्ड्स का दीवाना था। ही डिड नॉट आस्क फॉर द बर्ड्स डायरेक्टली, उसने बर्ड्स को के लिए डायरेक्टली नहीं पूछा था। इंस्टेड ही सेड दैट ही वॉन्टेड अ क्रिएचर विद विंग्स इन अ केज, बल्कि वो चाहता था कि ऐसा क्रीचर, ऐसा कोई जानवर, ऐसा कोई चीज़ जिसको, जो केज में बंद हो और जिसके क्या हो, पंख हो, जिसके विंग्स हो। दिस टेल्स अस दैट ही हैड सिंपथी फॉर बर्ड्स एंड वॉन्टेड टू सी देम फ्लाई। तो ये हमें बताता है कि उसके उसको सिंपथी थी, वो मतलब सहानुभूति रखता था उन बर्ड्स के लिए, कि क्योंकि बर्ड्स का जो एक्चुअल काम होता है, जो उनको नेचर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है उड़ने के लिए, उनको पिंजरे में बंद होने के लिए तो नहीं बनाया है ना भगवान ने। तो इसलिए वो इंसान जो था, वो स्ट्रेंजर, सिंपैथी रखता था, सहानुभूति रखता था कि जो बर्ड्स आए पिंजरे में ना रहें और आराम से खुले हवा में, खुले आसमान में उड़े। तो यही इसका सेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इन योर ओपिनियन डिड द मैन सेट द डोव्स फ्री? आपको क्यों लगता है कि जो मैन था उसने डोव्स को फ्री छोड़ दिया था? तो इन माई ओपिनियन आई थिंक दैट द मैन मस्ट हैव सेट द डोव फ्री बिकॉज ही हिमसेल्फ हैड बीन इन जेल फॉर 10 ईयर्स, ही हैड सिंपथी फॉर बर्ड्स एंड न्यू द पेन ऑफ द इम्प्रिजेंट अगेंस्ट देयर विशेज। तो इसमें ऐसे बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको मतलब बर्ड्स के साथ सिंपथी थी, और वो शायद 10 साल से जेल में रहा हो, तो इसलिए वो चाहता था डोव्स भी फ्री हो जाएं, क्योंकि उसको पता था इम्प्रिजेंट होना, जेल में रहना कितना मतलब ख़राब होता है, उसको ये पसंद नहीं था, इसलिए वो उनको फ्री करना चाहता है। ही वॉन्टेड टू सी देम फ्लाई एंड एन्जॉय देयर फ्रीडम, दैट इज़ वाई ही बॉट समथिंग विद द विंग्स। ही वॉन्टेड टू स्मेल द फ्रीडम, हैप्पीनेस ऑफ फ्रीडम फ्रॉम केजेस बाय सेटिंग द डॉग फ्री। तो वो चाहता था कि ये मतलब इनको फ्री कर दे, वो बर्ड्स को फ्री कर दे, उनको दे उड़ता हुआ देख के एंजॉय करे, और ये देखे कि फ्रीडम में कितना मज़ा आता है, और वो स्मेल करना चाहता था हैप्पीनेस ऑफ फ्रीडम, कि मतलब जब मुक्ति मिलती है, आज़ादी मिलती है, तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है, इसीलिए वो डोव्स को उस पिंजरे से बाहर छोड़ देता है। सेवेंथ है, हाउ हैड ही अर्न द $5 ही हैड? तो किस तरीके से उसने, स्ट्रेंजर ने अर्न किए थे, मतलब कमाए थे जो $5 उसके पास थे। ही अर्न दोज $5 बाई डूइंग हार्ड
लेबर इन अ जेल, तो ऐसा कहते हैं मतलब क्वेश्चन चैप्टर में तो हमें क्लियर ही नहीं बताया है, तो हम लोगों ने अंदाजा लगाया है कि उसने जो $5 अर्न किए होंगे वो जेल में मेहनत से काम करके किए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज द कस्टमर इंटरेस्टेड इन द केज एंड फीडिंग ऑफ द डोव्स ही हैड बॉट, तो जो कस्टमर था क्या वो इंटरेस्टेड था मतलब केयर करने के लिए और उनको खाना खिलाने के लिए डोव्स को जो उसने खरीदी थी, इफ़ नॉट तो नहीं क्यों नहीं, द कस्टमर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डोव्स ही हैड बॉट बिकॉज ही जस्ट वॉन्टेड टू रिलीज देम, तो वो उसको खाना खिलाने में उनको पालने में डोव्स को उन पेयर ऑफ बर्ड्स को इंटरेस्टेड नहीं था, उसने तो सिर्फ उनको इसलिए खरीदा था ताकि वो उनको खुले आसमान में रिलीज कर सके छोड़ सके। नेक्स्ट है, वाई डिड इट मेक मिस्टर प्रुसल फील वॉगली इंसल्टेड, तो मतलब ये वाली जो चीज़ थी उसने स्ट्रेंजर ने जो कस्टमर आया था उसने बाहर निकलते ही डोव्स को छोड़ दिया खुले आसमान में, तो ये चीज़ वॉगली इंसल्टेड, बहुत ज़्यादा इंसल्ट क्यों फील किया इस बात से मिस्टर प्रुसल ने, जिसका आंसर है मिस्टर प्रुसल फेल्ट वॉगली इंसल्टेड एज द कस्टमर बॉट फ्रॉम मिस्टर प्रुसल शॉप फॉर $5 एंड देन वेंट आउटसाइड टू सेट देम फ्री, इट वॉज मिस्टर प्रुसल हु केप दिस बर्ड इन केज एंड रेस्ट्रिक्टेड देयर फ्रीडम एंड द मैन स्पेंड हिज 10 ईयर्स इनकम ओनली टू गिव द डोव्स फ्रीडम, सो ही फेल्ट ऑल द मोर इंसल्टेड, तो मिस्टर प्रुसेल को बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील हुआ क्योंकि वो कस्टमर आया था जिसने मिस्टर प्रुसेल से $5 में वो डोव्स ली थी और उनको छोड़ दिया था, तो मिस्टर प्रुसेल को लगा कि उन्होंने इन बर्ड्स को केज में रखा, पिंजड़े में रखा और उनकी फ्रीडम को रोके रखा, आज़ादी से इनको मतलब आज़ादी से दूर रखा, और ये जो आया इंसान जिसने 10 साल प्रिजन में हो सकता है बिताए हों, $5 ही इसके पास से और इसने अपनी 10 साल की कमाई जो है वो इसमें उड़ लगा दी और उन बर्ड्स को बाहर उड़ा दिया, तो इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा वॉगली इंसल्टेड फील हुआ कि मैंने इनको बंद रखा था और इस इंसान ने अपनी 10 साल की कमाई खर्च कर करके उड़ा दिया आसमान में इनको। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, आपको कैसा लगा क्या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा।